हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ मैं आप सब ठीक हो गए। तो दोस्तों, हम आज अपने बजीजी की आज भी एक बार हेल्थ चेक कर लेंगे। आज दूसरी वाली मेडिसिन लगाऊंगा मैं अपनी बजीजी के ऊपर, ला लिया हूँ मैं जाके मेडिकल से। देखिए दोस्तों, माशाल्लाह से हमारी चिक्स हेल्थी तो है, अब कोई नहीं मार रहे दोस्तों, अब कोई कौन से भी बजी नहीं मार रहे हैं इसको। क्योंकि जो मार रही थी बजी, ये एक थी वाइट वाली और यहाँ पर एक थी, दोनों को मैं अलग रख दिया हूँ केज में। अब हमारे माशाल्लाह से बजी चिक्स सेफ है। तो दोस्तों चलिए इनको एक बार मेडिसिन लगा देते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने बजी चिक्स को बाहर निकाल रहा हूँ। एक बार मैं अपने हाथ को अच्छे तरीके से वार्म कर लूँगा, क्योंकि सर्दी बहुत है, बजी चिक्स वार्म रहते हैं। तो अच्छे तरीके से वार्म कर लेके हमारे बजी चिक्स को मैं निकाल लूँगा। दोस्तों, मैं इन्हें ये वाले थोड़े से खाने में राले में रख देता हूँ, ताकि थोड़ा गर्म रहे ये। तब तक मैं अपनी दवाई मिला रहा हूँ। दवाई में मैं दे रहा हूँ दोस्तों जेंटाली दे रहा हूँ। जेंटाल एक डीवर्मर है, और अगर माइट्स भी आ जाते हैं बट्स में, तो मैं जेंटाली मारता हूँ, स्प्रे कर देता हूँ उनकी बॉडी पर, ठीक हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएंगे। मैं इन्हें हाथ से ही लगा दूंगा, क्योंकि बहुत छोटे चिक्स है दोस्तों, दूसरी को क्या चीज़ से लगाऊँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका जख्म देखिए कितना बहुत बुरा हो गया है। हमारी बजी ने बहुत ज़्यादा मारा है इन्हें। चलिए इन्हें जेंटाल अप्लाई करके पूरी बॉडी पर ही कर देता हूँ, ताकि कहीं पे भी माइट्स ना लग जाए इन्हें। मुझे इसी का डर रहता है दोस्तों हमारे मास्टर केज में, कि हमारे बर्ड्स को माइट्स ना आ जाए। माइट्स आ जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। चलिए इसे हाथ में ही रहने देते हैं, नीचे रखूँगा तो राला लग जाएगा। इसे भी थोड़ा सा जेंटल लगा देता हूँ। ये चीक को ज़्यादा जख्म नहीं है दोस्तों, ये वाले चीक को बहुत ज़्यादा जख्म है। आप देखिए इसके यहाँ पर फेस पर ही बहुत ज़्यादा जख्म है। हम अच्छे तरीके से अप्लाई कर देंगे, वापस छोड़ दूँगा इन्हें इनके ब्रीडिंग पॉट में। तो दोस्तों, मैंने अच्छे तरीके से मेडिसिन अप्लाई कर दिया हूँ। चलिए वापस इन्हें इनके ब्रीडिंग पॉट में, वहाँ पर है ब्रीडिंग पॉट में रख दूंगा मैं। ये एक चीक चले गया, ये दूसरा चीक भी रख दे रहा हूँ दोस्तों मैं ब्रीडिंग पॉट में। इसके ऊपर का भी रख दूंगा मैं, ताकि हमारे बच्चे दूसरे आगे इसे तंग ना करे। इंशाल्लाह दोस्तों ये ठीक हो जाएंगे बहुत जल्द। मैं तो मेडिसिन अप्लाई कर दिया हूँ, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। हमारे मास्टर केज में चूहे बहुत आ जा रहे हैं दोस्तों, वो हमारे राइट्स के लिए मैं गम पैड लगा दे रहा हूँ। अब मैं इन्हें भगाने की तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, लेकिन ये भाग ही नहीं रहे। तो यही बेटर ऑप्शन रहेगा कि इसके अंदर ही गम पैड लगा दूँ। खाने के जहाँ पर खाना है वहाँ पर ही ज़्यादा आते हैं दोस्तों ये राइट्स। थोड़ा सा मैं बीच में इसके राला डाल दूंगा, क्योंकि ये राइट्स जो है राला ही बहुत ज़्यादा खाते हैं आके, और हमारे बर्ड्स के चिक्स को कहीं नुकसान ना पहुँचाए, इसी वजह से मैं इनके लिए एक ट्रैप दे दे रहा हूँ ये वाला। ये अगर यहाँ पर आएंगे खाने के लिए, यहाँ पर चिपक जाएंगे, फिर मैं इसे फेंक दूंगा। थोड़े से सनफ्लावर सीड्स भी ही डाल दूंगा मैं। दोस्तों हमारे लवबर्ड जो है, देखिए मेल ऊपर बैठा हुआ है, फीमेल अभी तक ब्रीडिंग बॉक्स में है। एक बार हम चेक कर लेंगे ब्रीडिंग बॉक्स जाकर, कि शायद आज एक्स आगे। एक बार इसके ऊपर टैप करेंगे हम, ताकि लवबर्ड परेशान ना हो जाए। देखिए दोस्तों ये अंदर बैठी है। तो दोस्तों हमारे मास्टर केज में हमें एक सरप्राइज़ मिल गया है, हमारी लवबर्ड ने दो एक्स दे दिए। देखिए दोस्तों माशाल्लाह से दो एक्स है, इंशाल्लाह इसमें से जल्दी चिक्स निकलेंगे। मैं इन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, मैं ये खोला जैसे ही फीमेल जाके वहाँ पर बैठ गई दोस्तों। चलिए इसे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं, वापस ये जाके अपने ब्रीडिंग बॉक्स में बैठ जाएंगी एक्स को ब्रूड करने के लिए, यानी इनक्यूबेट करने के लिए। दोस्तों मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे लवबर्ड के एग आ गए, ये वाले लवबर्ड से देखो दोस्तों ऑरेंज कलर के। इंशाल्लाह बहुत जल्द इनमें से चिक्स हैच हो जाएंगे, उसके बाद हमारे मास्टर केज में और ज़्यादा लवबर्ड्स हो जाएंगे। वाले लवबर्ड भी ये वाले ब्रीडिंग बॉक्स में जा रहे हैं दोस्तों, बहुत जल्द ये वाले लवबर्ड भी एग ले कर देंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों यहाँ तक थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो हमारे चैनल लाइफ विद पेट्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।